भोजपुरी के शेक्सपियर और कहा भी जाता है कि वो मंच उसके लिए लाइव कर रहा है। कोई रचना उस मंच से अगर गाई नहीं जाए तो मैं बिहार फ्रेटर्निटी की रचना सुनाती हूँ आपको। के जाते भाई हम हूँ। उन्होंने कहा था जब उन्हें ये सम्मान मिल रहा था सब कहा था बस कह दीजिएगा ठीक है।
में बहुत कम लोगों के पास पहुँची है। मैं मैथिली के बहुत विद्यापति तो हैं ही, एक और हैं इसमें लता जी, उनकी रचना मैं आपको सुनाती हूँ। अभी जो है वो दहेज का बहुत ज़्यादा समाज में हमारे फैला हुआ है बात, तो उसको मैं वो उन्होंने बहुत अच्छी रचना लिखी, मैं सुनाती हूँ आपको। Thank you.
पारंपरिक गीतों में यही इसे नहीं कह रहे हैं कि मिट्टी का घोल जो मिठास है और जो आपकी आवाज में अंदाज है, बाकी तालियां थोड़ी जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम मौके मिलते हैं जब इस तरह के गानों का हम सभी रस ले पाते हैं। इसे ही कहते हैं असली रस। वही अब हम अगले पैनल की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि एक और फोक सिंगर है छाया कुमार। तो ये अभी हम लोग इस कार्यक्रम को थोड़ा सा स्थगित करते हैं, अब हम लोग पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ेंगे। अभी इस पैनल में एक बार फिर से मैं कुर्सियाँ क्रमबद्ध में लग जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं चाहती हूँ जैसे हमारा दिल्ली का राष्ट्रीय गीत है, वैसे ही हमारा भोजपुरी का बहुत ही मशहूर मटोलिया है जिसको लिखा है पापा लोग भी गाए हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो चाहना है उसको गाऊँ।